भाइयों और बहनों, वोट बैंक की इसी राजनीति ने महाराष्ट्र का बहुत नुकसान किया है। आप याद करिए, एक समय था जब आए दिन महाराष्ट्र में बम धमाके होते थे, मुंबई दहल जाता था, कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी अहम इमारतों पर आए दिन बम गोले, आए दिन हिंसा, आए दिन आतंकवाद। और उस समय जिन लोगों पर सवाल उठे, बम धमाकों के जो मास्टरमाइंड सामने आए, वो बच करके निकल गए, दुश्मन देशों में जाकर के बसेरा बना लिया। आज हिंदुस्तान उन लोगों को पूछता है, आखिर ये कैसे हुआ, इतने बड़े गुनहगार कैसे भाग गए, देश पूछ रहा है। और अब नए नए पन्ने खुलने शुरू हुए हैं। अब ये सब खुल करके सामने आ रहा है, किस किस के उन लोगों से कैसे कैसे संबंध थे, किस तरह के कारोबारी रिश्ते थे। महाराष्ट्र को खून के रंग से रंग देने वालों के साथ इनकी कैसी रंगरेलियां चलती थी। महाराष्ट्र के नेताओं को पता था कि ऐसे एक न एक दिन इनकी पोल खुलने वाली है। इन नेताओं को मालूम था कि इनके इस कारनामे कभी न कभी बाहर आएंगे और देश की जनता को उनको जवाब देना पड़ेगा। डरे हुए थे, बौखलाए हुए थे। और इसलिए आपने देखा होगा, पिछले कुछ महीनों से वो समझ गए थे कि मुसीबत दूर नहीं है, तो उन्होंने शुरू कर दिया था। आपको याद होगा, उन्होंने चारों तरफ जांच एजेंसियों को बदनाम करना, भारत सरकार को बदनाम करना, भारत सरकार के अफसरों को बदनाम करना, उन पर भांति भांति के राजनीतिक आरोप लगाना, ये चालू कर दिया था। क्योंकि उनको मालूम था कि मुसीबत आएगी तो ये झूठ बचाव में काम आएगा। लेकिन ये वक्त बदल चुका है। वक्त बदल चुका है। हर कारनामे का जवाब देश लेकर के रहेगा। भाइयों और बहनों, इन लोगों की हरकतों पर आपने 2014 में केंद्र और राज्य में भाजपा एनडीए की सरकारें बनवाकर लगाम लगाई। और जो मैं सामने देख रहा हूं, आप एक बार फिर इनके मंसूबों पर पानी फेरने जा रहे हैं।